सो वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, जो कि पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल है। ये होगा हमारा लेक्चर 5 और इस लेक्चर में हम पूरा प्रैक्टिस सेट 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जो कि आपको हेल्पफुल पड़ेगा। तो उस कंसेप्ट का नाम क्या है? टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। मतलब क्या, एक आपको लाइन दिया रहेगा या फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और उस लाइन का हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन मतलब क्या, दो स्ट्रेट लाइन और उनके जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है ना, वो हमेशा सेम रहता है और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और उसको देख लीजिए। तो हम बढ़ते आगे की तरफ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन नंबर 1। क्या लिखा है? टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। मतलब क्या, एक लाइन है, उसके बाहर हम एक पॉइंट लेंगे और इन दोनों के हेल्प से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम देखते। तो ये हमारा क्या एग्जांपल है। तो देखो, फर्स्ट क्या करते हैं, हम एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल्प के हेल्प से। तो इस लाइन का एक नाम दे दूँ मैं, तो इस लाइन का नाम दे दिया लाइन पी। अभी इधर क्या बोला था कि एक पॉइंट देना है लाइन के बाहर, तो मैंने एक पॉइंट भी दे दिया लाइन के बाहर। किधर भी चाहे आप किधर भी दे सकते। तो इस पॉइंट का भी एक नाम दे दूँ मैं, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया के। अभी यहाँ पे होता है मेन कंसेप्ट चालू। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पॉइंट के है ना, वहाँ से हमें एकदम स्ट्रेट लाइन नीचे खींचना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। तो कैसे खींचे आप? तो एक काम कीजिए, आप प्रोटेक्टर लीजिए, उसका एक पॉइंट के की इधर रखिए और जो 90 डिग्री वाला है वो नीचे रखिए। ओके, और 90 डिग्री पे पॉइंट देके आप एकदम स्ट्रेट लाइन को खींच लीजिए। ओके, और ये कितना हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री। कैसे पता चलता है? देखो, हमें एक सिंबल देते हैं ऐसा बॉक्स टाइप का। ओके, फिर मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे लाइन जो पी था वहाँ पे ये के टच हो गया है, किधर ना तो किधर टच हुआ है। तो आप जहाँ पे टच हुआ है वहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया और उस पॉइंट का मैंने क्या नाम दे दिया, एम दे दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो लाइन पी है वहाँ पे ना मैं एक और पॉइंट दे देता हूँ किधर भी। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया एन करके। अभी क्या करना है, ये पॉइंट एन से एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बनाना है। तो कैसे बनाए, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से प्रोटेक्टर लेता हूँ और उसके 90 डिग्री पे पॉइंट देके एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। ओके, और ये क्या हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया एक बॉक्स टाइप के सिंबल से। ओके, अभी क्या करेंगे हम, जो के और एम का जो साइज़ है ना, उसको हम स्केल से मेज़र कर लेते हैं कितना है, या फिर आप राउंडर से उसको मेज़र कर लीजिए। मेज़र करने के बाद पॉइंट एन पे राउंडर को रखिए और ऐसा एक छोटा सा आर्क बना दीजिए, या फिर जो आपने स्केल से किया रहेगा तो जितना हो रहेगा उतना मेज़र करके हम पॉइंट एन पे उतना दे देते। तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। फिर अभी हम क्या करेंगे, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, जो केक का पॉइंट है और एक जो नया पॉइंट है हमारा, उसको ना हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। उसको हमने कर दिया ज्वाइन और इसका एक नाम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ लाइन क्यू। देखो, लाइन पी का पैरेलल लाइन क्या है, लाइन क्यू। यही आपको प्रैक्टिस सेट में भी बता रहा है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 की तरफ। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन थ्रू पॉइंट ए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, आप पहले एक बोल रहा है एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसका नाम देते हैं एल, और उसके बाहर एक पॉइंट दीजिए जिसका नाम देंगे ए। तो हम डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या बोला इन लोगों ने, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, उसका नाम दे दिया हमने लाइन एल, फिर एक पॉइंट देना है किधर भी चाहे आपका मन करे जिधर दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका नाम देता हूँ पॉइंट ए। ओके, देखो अभी यहाँ से होता है हमारा स्टेप चालू होता है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से करिए, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरा लाइन हमेशा स्ट्रेट रहता है तो स्ट्रेट बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ, प्रोटेक्टर से बताता हूँ। तो प्रोटेक्टर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक 90 डिग्री पे रखा और वहाँ से मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने कैसे पता चलेगा 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंबल दे दिया। लाइन एल पे जो लाइन ए से निकला है कहीं ना कहीं तो टच हो रहा है, वहाँ पे हमने एक डॉट दे दिया और उसका नाम क्या दे दिया, एम। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, जो लाइन एल है वहाँ पे हम किधर ना किधर एक पॉइंट ले लेते। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और उसका नाम दे दिया एन। फिर मैंने क्या बोला था, वहाँ से हम एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऊपर की तरफ रहेगा। तो कैसे करेंगे, एक प्रोटेक्टर लेंगे, उसका एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और 90 डिग्री पे डॉट छोटा सा देके एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसका साइन कैसे देंगे, हम छोटा सा ऐसा बना देंगे यार।
फिर थर्ड स्टेप क्या बोला था आपको, जितना AM का जो डिस्टेंस रहेगा उसको आप स्केल के हेल्प से मेज़र कर लीजिए, उतना ही हम जो हमने लाइन ड्रॉ किया अभी उतना ही डिस्टेंस उसका भी रखेंगे। तो जितना इसका है उतना यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, ओके। और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। और एकदम लास्ट का लास्ट स्टेप क्या है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी बना वहाँ से हम एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम है एम। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा ये रहा, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है। फर्स्ट क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन एल, हम चुपचाप लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका नाम क्या देते हैं, लाइन एल। फिर क्या बोले, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, मतलब ये जो लाइन बना है इसके हम बाहर एक पॉइंट दे और उसका पॉइंट का नाम देते टी। तो चुपचाप मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, उसका नाम भी क्या दे दिया, टी दे दिया। अभी होता है हमारा कंसेप्ट का जो स्टेप नंबर है वो चालू होता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्ट्रेट लाइन। तो कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे 90 डिग्री पे, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ओके, कैसे पता चले स्ट्रेट लाइन है, हमें जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वो दे देते हैं। कहीं ना कहीं टच हो रहा है लाइन एल पे, ये जो लाइन है यहाँ पे कहीं ना कहीं तो टच हो रहा है, तो वहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ और उसका नाम क्या देता हूँ, एन। ओके, सेकेंड स्टेप क्या था, लाइन एल पे किधर एक और पॉइंट दे देते हम लोग, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया और इसका नाम दे दिया एम। अभी क्या करेंगे, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से प्रोटेक्टर रखते और 90 डिग्री पे रख एक छोटा सा पॉइंट देके और एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर लिया। कैसे पता चलेगा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे नीचे एक मैंने छोटा सा बॉक्स दे दिया है, ये देना ज़रूरी है क्योंकि पता चल जाता है कि जो लाइन है एग्जैक्ट 90 डिग्री है। फिर मैंने आपको क्या बोला था, थर्ड स्टेप, जितना टी एन का जो डिस्टेंस है ना टी एन का, उतना ही हम स्केल से मेज़र कर लेते या फिर राउंडर से ऐसा पकड़ लीजिए और फिर जितना उसका डिस्टेंस है ना उतना एम पे रख के ऐसा राउंडर से एक डॉट बना लीजिए, छोटा सा आर्क बना लीजिए या फिर स्केल से आप देख लीजिए कितना है और फिर एम पे उतना दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। फिर मैं क्या करता हूँ, पॉइंट दे देता हूँ, वो पॉइंट का नाम देता हूँ एस। लास्ट स्टेप क्या है, बहुत ईजी है लास्ट स्टेप, एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते सीधा लाइन और ये लाइन का नाम क्या दे दिया, एम। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। अभी हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट सम जो कि है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है ना वो क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू से थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ईजी है। इसमें थोड़ा नया स्टेप यूज़ करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। ड्रॉ अ लाइन एम, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम देंगे एम। फिर ड्रॉ अ लाइन एन विच इज़ पैरेलल टू लाइन एम एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। क्या बोल रहा है, एक लाइन रहेगा एम और एक लाइन रहेगा एन और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर है, फर्स्ट इन लोग क्या बोल रहे हैं लाइन एम बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाते और इसका नाम दे देते हो लाइन एम। देखो अभी यहाँ पे ना स्टेप अभी से चालू होगा। अभी हम क्या करेंगे ना, लाइन एम पे ना एक पॉइंट दे देते, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया ए करके। यहाँ से ना हम एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री करेगा। तो कैसे बनाएंगे, मैं प्रोटेक्टर लेता हूँ और 90 डिग्री की जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, अभी स्केल लूँगा, स्केल से ना 4 सेंटीमीटर जहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ही क्वेश्चन में बोला है, 4 सेंटीमीटर की तरह ना मैं एक डॉट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट दे दिया 4 सेंटीमीटर का। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा, सेम लाइन एम पे एक और मैं पॉइंट लेता हूँ जिसका नाम है पॉइंट बी। इधर से भी ना मैं सेम प्रोसेस करता हूँ जो मैंने स्टेप वन में किया था, मतलब क्या है, प्रोटेक्टर से एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का लाइन बना देता हूँ। तो फिर से मैं प्रोटेक्टर लिया, 90 डिग्री पे रखा और एकदम स्ट्रेट लाइन बना दिया। फिर क्या, यहाँ पे स्केल लेना है, स्केल से ठीक 4 सेंटीमीटर का जहाँ पे रहेगा 4 सेंटीमीटर वहाँ पे हमें एक पॉइंट दे देते। ओके, अभी एकदम लास्ट स्टेप क्या है, जो हमने पॉइंट बनाया है ना उस पॉइंट को ना हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते जैसे कि आपको दिख रहा है और इसका नाम क्या देते, लाइन एन। तो यहाँ पे दे दिया लाइन एन। देखो लाइन एम और लाइन एन के बीच में डिस्टेंस कितना है, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का, तो क्वेश्चन में यही बोला था। तो ये काफ़ी इजी है और इसके साथ होता है हमारा वीडियो भी ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 ख़त्म। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी कम्प्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।